अगर इमरान हाशमी इस मूवी में, तो पक्का है कि इसके गाने सुपरहिट हो ही जाएंगे। हाय गाइस, माय नेम इज साहिल मिश्रा। आज के गिटार लेसन में हम कवर करने वाले द सॉन्ग रंग दरिया फ्रॉम द मूवी चेहरे। इस गिटार लेसन में हम सारे इलेक्ट्रिक गिटार पार्ट्स को कवर करने वाले, जो गिटार सोलो और सारे स्ट्रमिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। सो सॉन्ग में टोटल चार कॉर्ड्स यूज होंगे। सबसे फर्स्ट कॉर्ड होगा सी मेजर, नेक्स्ट जी मेजर, एफ मेजर, ए माइनर। तो सॉन्ग की शुरुआत में एक मेलोडी बजेगी जो मोस्टली अराउंड सी जी एफ एंड सी कॉर्ड्स के आसपास में है। सो हम इसमें क्या करेंगे, एक सी कॉर्ड का शेप ले लेंगे और पिंकी को रख देंगे ऑन ई थ्री। सो ये एक्चुअली सी कॉर्ड ही है, इसे ऊंचा ले लेंगे। यहाँ पे जाके हम बजाएंगे ए बी ई बी होल्ड होल्ड ई बी। सो ये हमारा पैटर्न ऐसे बन गया, होल्ड होल्ड, ठीक है। इसी को जो यहाँ पे क्या ये सी होगा, जब हम 15th फ्रेट पे हैं, एक ऑक्टेव है, इसको अगर हम रिंग फिंगर को 10th फ्रेट पे ले आएं, ये 9 और 8 आ जाएगा अपने आप। सेम पैटर्न बजाएंगे फॉर जी, और फिर पीछे दो फ्रेट ले लेंगे, यहाँ 8th फ्रेट, यहाँ 8th फ्रेट, 7th 6th, एंड बैक टू सी। इसके बाद में आ जाएगा सॉन्ग का जो है वर्स, और वर्स के दौरान भी इंट्रो का इलेक्ट्रिक गिटार पार्ट बजेगा। यहाँ पे कॉर्ड्स आ जाएंगे सी जी एफ एंड सी। रिपीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में सॉन्ग का जो है प्री कोरस वो आ जाएगा। यहाँ पे कॉर्ड्स आ जाएंगे ए माइनर, एफ, जी एंड सी। यहाँ पे आप स्ट्रमिंग ले सकते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। मेरा फिर इसके बाद में सॉन्ग का जो है कोरस आ जाएगा, और यहाँ पे कॉर्ड्स आ जाएंगे सी जी एफ एंड सी, जैसे हमने इंट्रो में किया था। नेक्स्ट सेक्शन आएगा जो है मैं बंदेगा। सो सेम कॉर्ड्स ए माइनर, एफ, जी, एफ के साथ करेंगे। जी और फिर वापस से एफ आ जाएगा, और फिर बाद में हम वापस से फर्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे। समटाइम्स जो बीच वाला पार्ट है मैं बंदिया वाला, वो बीच वाले कोरसेस में नहीं आएगा, एक आखिरी वाले कोरस में वापस आएगा। फिर इसके बाद में सॉन्ग का जो है इंस्ट्रूमेंटल पार्ट वन आ जाएगा, और यहाँ पे आप सिंपली सेम स्ट्रमिंग ले सकते हैं। कॉर्ड्स दिख रहे हैं, सो सी जी एफ एंड सी। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा सी ए माइनर, उसके बाद में सॉन्ग का जो है ब्रिज वन आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रमिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसा ले सकते हैं, जो प्ले म्यूट प्ले प्ले म्यूट प्ले। ऐसी एक सिमिलर सॉन्ग है राबता करके एजेंट विनोद का, जिसका लेसन ऑलरेडी ये चैनल पे है, तो उसमें भी सेम स्ट्रमिंग पैटर्न है, और जीना जीना में भी यही है, दोनों कवर्ड है लेसन। सो यहाँ पे ऐसा आएगा, सिंपल है, एफ आ जाएगा, फिर वापस से जी कॉर्ड आ जाएगा, देन यहाँ वापस से आ जाएगा सेम कॉर्ड, और फिर एक सिंगल जी आ जाएगा एंड में। इसके बाद वापस से सॉन्ग के जो है प्री कोरस और कोरस पार्ट्स आ जाएंगे। गिटार सोलो के बाद में हमारा ब्रिज टू आ जाता है। यहाँ पे कॉर्ड सेम होंगे जो है सी ए माइनर एफ जी, बट यहाँ पे पैटर्न जरा सा अलग है। यहाँ पे कॉर्ड्स
लेट्स अभी हम सी कॉर्ड के साथ ले लेते हैं. सो प्ले म्यूट प्ले म्यूट ऐसे पैटर्न कुछ आ जाएगा. सो वाला पैटर्न दो बार रिपीट होगा. सो प्ले म्यूट प्ले म्यूट प्ले ए माइनर आ गया. सेम थिंग रिपीट्स. ठीक है. सो फॉर द गिटार सोलो हम सबसे फर्स्ट बजाएंगे जी स्ट्रिंग 5 4 5 और फिर ये 5 को स्लाइड करेंगे ऑल द वे टिल 12. ठीक है. और इसमें हम सेकेंड लाइन वापस से यही पार्ट बजाएंगे और फिर एक छोटा स्लाइड एंड स्लाइड बैक करेंगे 12 14 12. वापस से थर्ड टाइम यही पार्ट रिपीट करेंगे. फिर हम जाएंगे ऑन द फोर्थ लाइन जो थोड़ा सा मेलोडिक है थोड़ा नवंबर रेंज जैसा. यहाँ पे हम बजाएंगे बी स्ट्रिंग 13 13 स्लाइड बैक टिल 12 फिर वापस से 12 बजाएंगे. ठीक है. सो फिर स्लाइड बैक करेंगे 12 से 10 और फिर 10 बजाएंगे 10 से 8 स्लाइड 8 8 से 6 स्लाइड और फिर हैमर ऑन पुल ऑफ स्लाइड बैक टू 5. वे हैमर ऑन पुल ऑफ 6 8 5 आएगा. ठीक है. सो दिस लाइन ऐसे करके आ जाएगा. फिर इसके बाद में वापस से सेकंड पार्ट रिपीट हो जाएगा. यहाँ पे वापस हम शुरू करेंगे सेम पार्ट्स. नेक्स्ट लाइन और जब यहाँ पे हम स्लाइड करेंगे यहाँ पे हम 12 से 14 स्लाइड करेंगे और फिर 12 को हिट करेंगे. सो देयर इज नो स्लाइड बैक दिस टाइम. फिर इसके बाद में हम बी स्ट्रिंग पे जाएंगे 8 से 10 स्लाइड. सो हम स्लाइड करेंगे 8 से 10 और फिर 10 को दो बार बजाएंगे. सो स्लाइड 10 10 वापस से 10 से 12 स्लाइड 12 12 12 से 13 सेम थिंग 13 से 15 सेम थिंग और फिर एक एंड में लिख बजाएं जो है बी 17 ई 15 ई 17 और फिर एक बेंड करेंगे छोटा सा और 19 ई. सो ऐसे करके आ जाएगा. That's it for this lesson. Thank you so much for watching. I hope आपको ये lesson अच्छा लगा हो. In case आपको और trending guitar songs जो Bollywood के सीखने हैं, do subscribe to this channel and maybe उनके guitar lessons यहाँ पे मिलेंगे आपको. Thank you.